सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी थार का माइलेज टेस्ट करेंगे। तो मैं अभी नैनीताल के लिए निकल रहा हूँ। तो ये रिलायंस पेट्रोल पंप हमारे सिटी हापुड़ में पड़ता है। मैं जनरली यहीं से कराता हूँ सारे, जब भी मुझे कोई माइलेज टेस्ट करना होता है। तो आज हम यहाँ से टैंक फुल कराएंगे, देन हम टैंक टू टैंक वाली टेक्निक से ट्राई करेंगे कि कितना हमारी थार माइलेज देती है। सो लेट्स वॉच। तो ये हम थैंक यू। पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। हम यहाँ पे आज अपनी थार का माइलेज चेक करेंगे, डीजल ऑटोमेटिक। ठीक, डीजल ऑटोमेटिक इसका आज हम माइलेज चेक करेंगे। मैंने बहुत वीडियोस में देखा है, किसी में कुछ आता है किसी में कुछ आता है, बट अभी तक एक्यूरेट नहीं पता चला है। बट आज मैं फाइनली खुद से ट्राई करूँगा। पहले कट पे ही रोक देना, जब कट आ जाए ना पहला। सो ये रिलायंस का पेट्रोल थोड़ा, डीजल थोड़ा अच्छा होता है क्वालिटी वाइज, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ। जब भी मैं माइलेज चेक करता हूँ तो मैं रिलायंस से ही चेक करूँ। एक बार देखना और आएगा। ऊपर तक ही कर दो। बस 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 हो गया। नहीं 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 बस 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 बिल्कुल बिल्कुल ऊपर तक हो। स्लिप दे देना। यह है 45.37। मैं ये ट्रिप जीरो कर देता हूँ। इस ट्रिप को मैं जीरो कर देता हूँ। ट्रिप जीरो, फ्यूल एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो भी थी वो भी मैंने रीसेट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और मेरा 45 पॉइंट समथिंग पेट्रोल आया है और मैं अभी ये कैची धाम से रिटर्न के बाद ही पेट्रोल फिल कराऊंगा सेम पेट्रोल स्टेशन से। देन उसके बाद में देखते हैं कि कितना हमारा माइलेज देती है हमारी कार। चलते हैं फिर। सो ये हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है। 300 मीटर सॉरी, और ये हम चल रही है। से एग्जिट ले लिया है हमने। मैं आपको ड्राइव कंडीशन भी बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ड्राइव की है बीच बीच में, कि हमने क्रूज भी लगाएंगे, क्रूज भी इसका टेस्ट करेंगे कि क्रूज पे क्या माइलेज देती है ऑन ऑडोमीटर में। मेरा एसी ऑन है, एसी चल रहा है। ये अब सामने खाली रोड है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार क्रूज अप्लाई करके देखते हैं। तो ये यहाँ से मैं क्रूज अप्लाई करता हूँ। मेरा क्रूज ऑन हो गया 80 में। माइलेज भी अभी स्टार्ट हुआ है आना। 13 पॉइंट समथिंग 13 है ये।
जहाँ भी पॉसिबल होगा मैं क्रूज़ अप्लाई करूँगा, और जब तक ये हाईवे रनिंग है तब का माइलेज दिखाऊँगा, देन उसके बाद में फिर थोड़ा सा रामनगर से आगे जाके थोड़ा सा फिर चढ़ाई है तो उस पर अलग एवरेज आएगा। ओवरऑल तो फिर फाइनली मैं टैंक टू टैंक दिखाऊंगा ही कि कितना आया पूरी कैंची धाम नैनीताल की ट्रिप पे एवरेज, अराउंड 500 प्लस का ये बैच होगा। सो अब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है कैंची धाम के लिए, और बंदे बोलते हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता थार में, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ये डिपेंड भी करता है कि तुमने इससे पहले कौन सी कार चलाई है। सो आर ओस हो चुका है, वही अपनी मस्ती आ रहा है। मैं टोल बूथ पे हूँ, एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरा बैलेंस था भी, बट फिर भी मेरा जो फास्टैग है वो इनएक्टिव में पहुँच गया, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं उसको एक्टिवेट करा रहा हूँ। मैंने उसमें बैलेंस भी डाल दिया है, बट स्टिल इट विल टेक सम टाइम, मे बी 5 to 10 मिनट, तो वो मैं सब कर रहा हूँ। सो फाइनली हमारा टोल पे एक्टिव हो गया है, मैंने अपना ये बैलेंस किया, उसके बाद में टोल मेरा जो फास्टैग है वो एक्टिवेट हो गया था, और ये टोल वाले बंदे भी अच्छे थे जिन्होंने पूरा टाइम दिया करने के लिए कि सर कोई नहीं आप अपना एक्टिव करा लो, अदरवाइज़ तो ये डबल वाला सीन है, डबल लगते हैं, तो बेटर है कि रिचार्ज करके चलना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गो। क्रूज ऑन है मेरा, ये अराउंड 100 पे चल रही है, और अभी जो फ्यूल इकोनॉमी आ रही है ये 15.4 आ रही है, अराउंड हम 50 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, इतनी हाइट पे बैठ के चलाने में आपको कोई 360 कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्रप्रयाग आ गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी 10-12-15 किलोमीटर से ऑलमोस्ट हम सिटी ट्रैफिक में ही चल रहे हैं, रामपुर में भी सिटी ट्रैफिक मिला था, तो अभी अगर हम माइलेज देखें तो 15.7 है, और टोटल ट्रिप हुई है अभी 171, तो 171 के आसपास हम चल चुके हैं, और 15.7 का ये हमको माइलेज दिखा रहा है। अभी हमारा कैंची धाम 80 किलोमीटर है यहाँ से, एंड 2.5 घंटे लगेंगे। हाय गाइस, हाय।
पंची धाम यहाँ से 12-13 किलोमीटर है, अभी हम वहीं पे चल रहे हैं रास्ते पर। बहुत बढ़िया रूट है ये। यार अब जबरदस्ती ऊपर बैठ गया है कि मेरे को एक ऐसा फोटो खिंचाना है तो खिंचाना है। अच्छा भाई वाह, फोटो, मैं तो वीडियो बना रहा था, फोटो खींचता। ये कैची धाम है। जाते हुए बारिश आ रही है अभी और इतना प्यारा मौसम, अल्टीमेट। बारिश में गाड़ी चलाने का मजा अलग है और वो भी खासकर आप पहाड़ों में। सो गाइस, अब हम रिटर्न कर रहे हैं नैनीताल से और लगभग मैं 40-50 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई थी अच्छी खासी हल्द्वानी वाली, 50-55-60 है शायद वो। तो उस पे मेरा पहले चल रहा था एवरेज 15.6-15.7, बट उसके बाद में जैसे ही मैंने चढ़ाई वगैरह कंप्लीट की तो ये ड्रॉप होके 12.6 आ गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ तो अब ये बढ़ना स्टार्ट होगा क्योंकि अब चढ़ने की बजाय मैं उतरना होगा। तो फाइनली मैं आपको बता दूंगा, फिर घर पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कि कितना ओवरऑल माइलेज आया हापुड़ टू नैनीताल, नैनीताल टू हापुड़। अब हम आ चुके हैं गजरोला के आसपास और ये यहाँ से हमारा घर जो बचेगा अभी अराउंड 100 किलोमीटर है और जो टोटल मेरा ट्रिप हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टोटल ट्रिप मेरा 400 हो गया है, 399.5। तो जो मेरा 400 की ट्रिप में मेरा MID अब बढ़ गया है। एक्चुअली जब मैं पहाड़ से उतरना स्टार्ट किया था उससे पहले ये मेरा 12 तक आ गया था रीज़न, और उससे पहले मेरा चढ़ने से पहले पहाड़ पे 15.7 था। अब ये माइलेज दिखा रहा है मेरे को 14.5 और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। मतलब जब से हम हाईवे पे चलना स्टार्ट हुए तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैंने क्रूज़ भी लगाया हुआ था कि टाइम टू टाइम में लगा रहा हूँ, एक्टिव होता है डीएक्टिव होता है, सो डीएक्टिवेट हो जाता है जैसे ही मैं ब्रेक पैडल प्रेस करता हूँ। ये है फाइनली, मैं आपको जब पेट्रोल डीजल दिलाऊंगा तब मैं आपको फाइनली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सो फाइनली हम अपने हापुड़ में आ चुके हैं और मेरी MID दिखा रही है 15.2 का फ्यूल इकोनॉमी एवरेज। और ट्रिप चेक कर लेते हैं कितना हो गया है, ओवरऑल ट्रिप आ रहा है 485। अब मैं दोबारा से रिफिल कराता हूँ सेम पेट्रोल पंप से, कैलकुलेशन में सुबह कर दूँगा कि अभी लाइट बहुत ज़्यादा रात हो रही है, तो जस्ट मैं फिल करा देता हूँ और रीडिंग नोट करेंगे हम। 2 किलोमीटर तक
35.63 और मेरी जो टोटल रनिंग है वो है 485। सो हमारी टोटल ट्रिप आई है 485 और जो हमारा टोटल डीजल आया है वो है 35.63। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 485 को 35.63 से तो माइलेज आएगा 13.6 और 13.6 है हमारा टैंक टू टैंक माइलेज और ये जो हमारी MID दिखा रही है वो 15.2 दिखा रही है तो थोड़ा सा डिफरेंस है बट ओवरऑल सही है क्योंकि हमने ये जर्नी पहाड़ों पे भी की। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट गाइस।